तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपने देखा मैंने पिछले वीडियो डाला था हरिहर फोर्ट का। मैं हरिहर फोर्ट घूमने गया था, तो मैंने आपको बोला था कि मैं उसका बजट रूट सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो मैं ये छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो, एकदम सटीक जानकारी के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। और वीडियो पूरा देखना, आपको सारी जानकारी लग जाएगी कि कैसे जाना है, कैसे आना है और वहाँ पर क्या खर्चा आपको लगेगा। और मैं पूरी जानकारी ऐसे दूंगा, जो ज़मीन स्तर की जानकारी ना वही दूंगा, जो लगी है, जो सारी चीज़ें रही है ना वही दूंगा जानकारी। कोई हवा में बात नहीं करेंगे और ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानी और मनगढ़ंत कोई जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा। तो सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए हरिहर फोर्ट जाने की, तो ये वीडियो पूरा देखना। तो चलो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं गया था इंदौर रूट से, तो मैं पहले इंदौर रूट से सारी जानकारी दूंगा। आप देश में से कहीं पे भी कहीं से भी आ रहे हो, तो आप जाओगे नासिक, तो आप मुझे फॉलो कर लेना नासिक से, ठीक है दोस्तों। तो मैं गया था इंदौर, बस में बैठा था। इंदौर से 80 किलोमीटर दूर है धामनोद, हम लोग वहाँ से बैठे थे। तो हमको वहाँ से जो किराया लगा था नासिक तक जाने का, वो लगा था हमको 350 रुपये। अब 350 हमको कैसे लगे पर व्यक्ति के हिसाब से, हम गए थे केबिन में बैठ के, क्योंकि हमको स्लीपर नहीं चाहिए थी। और अगर आपको स्लीपर चाहिए हो तो उसका किराया बढ़ जाएगा, 700-800 रुपये आप इंदौर से बुकिंग करवा सकते हो। आप पूरा खर्चा जोड़ते जाना, मैं आपको बताते जाता हूँ। तो मेरे को 350 रुपये लगे थे धामनोद से नासिक तक के। अब हम आ गए नासिक। नासिक में आपको जो बस है वो उतारेगी ब्रिज के नीचे। तो उस ब्रिज के नीचे से आपको राइट हैंड साइड पे एक CVS बस स्टॉप है, मतलब नासिक का बस स्टॉप बोलते हैं उसको। 1-1.5 किलोमीटर है ब्रिज के राइट हैंड साइड से, नीचे से जाओगे आप मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर है। आपको रिक्शा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पैदल वहाँ तक जा सकते हो। सुबह से गाड़ी चालू हो जाती है 5-5:30 बजे तक त्र्यंबकेश्वर की। आपको नासिक से जाना है त्र्यंबकेश्वर। हम गए थे 5:30-6 बजे बैठे थे गाड़ी में, और महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस है, इलेक्ट्रिक बस अब चालू हो गई है, जिसका किराया हमको त्र्यंबकेश्वर से नासिक तक का 65 रुपये लगा था। अब हम आ गए हैं त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। धीरे धीरे फॉलो करना, अगर आप देश में से कहीं से भी आ रहे हो, आप नासिक आओगे, नासिक से 65 रुपये देना। इलेक्ट्रिक बस चलती है महाराष्ट्र राज्य परिवहन की, 65 रुपये लेगी, आपको त्र्यंबकेश्वर उतार देगी। अब हम आगे चलते हैं त्र्यंबकेश्वर से। जैसे ही बाहर, आप बस स्टॉप जो त्र्यंबकेश्वर का है वहाँ से आप बाहर निकले, आपको दर्शन वगैरह करना हो, मंदिर मंदिर जाना हो, तो सीधा ही एक बड़ा गेट बना हुआ है ऐसा, और यहाँ से आप सीधे चल जाना। आपको सारी जानकारी लग जाएगी, आप इतने तो समझदार हो, अगर वहाँ तक पहुँच गए हो तो आप सारी लोकल में जानकारी ले लेना। नहाना, फ्रेश होना, जाना, ये वो सब वहाँ पे आप कर लेना, है ना। अब हम बात करते हैं वहाँ पे खाने की। तो अगर खाना अगर आपको हो, तो देखो आपके बजट के हिसाब से रहता है, आप 150 वाला भी मिलता है, 200-250, आप जैसा खाना चाहो। तो पर हम लोग गए थे, हम लोग गजानन महाराज संस्थान जो है ये गेट के ठीक उल्टे हाथ पे बना हुआ है। यहाँ पे आपको 60 रुपये प्लेट के हिसाब से खाना मिल जाएगा, आप भरपेट खाना मिलता है, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल और एक मीठा होता है। मीठा दूसरी बार नहीं ले सकते, बाकी हर चीज़ पेट भर के खा सकते हैं। ये हो गया हमारा खाने का। अब आपको अगर वहाँ से हरिहर फोर्ट जाना है, मैं आपको हरिहर फोर्ट की जानकारी दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि हम ब्रह्मगिरी भी गए थे। तो ब्रह्मगिरी तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, वहीं से सीधी चढ़ाई है त्र्यंबकेश्वर से, आप चढ़ जाना, गोदावरी नदी का संगम भी आपको ब्रह्मगिरी पर्वत में मिलेगा। आप पैसे जोड़ते जाना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम हैं त्र्यंबकेश्वर में। अब हमको त्र्यंबकेश्वर से जाना है हरिहर फोर्ट। तो दोस्तों हरिहर फोर्ट में क्या है, वहाँ से 12-15 किलोमीटर है त्र्यंबकेश्वर से हरिहर फोर्ट। वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, जैसे रिक्शा वगैरह, या मतलब जो गांव में चलता ना लोकल में, या फिर कोई गाड़ी वगैरह, बस वगैरह ये नहीं चलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वहाँ क्यों नहीं चलती, उसका कारण दोस्तों ये है कि वो रूट से थोड़ा अलग है, जैसे कोई गाँव खेड़ा आता है ना वैसा है। तो वो मेन जो रास्ता है, जो हाईवे बना, उससे उल्टे हाथ पे अंदर जाते हैं तो 12 किलोमीटर लगभग है, और रास्ता भी बहुत थोड़ा ख़राब है वो। तो वो और वो गांव में है, और वो गांव के वो आखिरी छोर पे फिर वो पहाड़ जाता है, जहाँ पे हम चढ़ाई करते हैं हरिहर फोर्ट की। तो वो गांव में, इसलिए वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे हो अब जाना कैसे है, मैं आपको बताता हूँ जाने का। यही दोस्तों, वहाँ पे रिक्शे वाले रहते हैं त्र्यंबकेश्वर में, आपको हरिहर हरिहर फोर्ट बोलेंगे जाने के लिए। तो उसमें आप 2 से 3 लोग बैठ सकते हो, जितने लोग भी आप हो देख लेना आपके हिसाब से। हम तो 2 लोग थे, हमने उनसे बात करी थी, 500 रुपये में वो सिर्फ जा रहा था और 1000 रुपये बोल रहा था आने जाने के लूँगा। तो मैंने उसको 800 रुपये में फाइनल करा था रिक्शे वाले को। अगर आप 2-3 लोग भी हो तो आप 3 लोग बैठ जाना, 800 रुपये में वो फाइनल कर देगा। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो फिर आपको 800 रुपये में तो महंगा पड़ेगा रिक्शा आना जाना, ठीक है। तो आप एक काम करना, ये जो गेट है, जैसे आप त्र्यंबकेश्वर से के बस स्टॉप से जैसे ही बाहर निकलोगे,
मंदिर प्रांगण में जाने के लिए मंदिर वाले रास्ते में, मतलब जो सिटी है मेन, वो ये गेट जो दिख रहा है इसके ठीक राइट हैंड साइड पे, मतलब आप सीधे खड़े हो गेट सामने है, इसके ठीक राइट हैंड साइड पे आपको एक घुमटी है चाय की, वहाँ पे एक दादा है, उनके लड़के के पास में इको गाड़ी है, तो आप उनसे जानकारी लेना कि दादा हरियर फोर्ट की कल सवारी है क्या या आज है, तो वो क्या उनके पास भी अगर सवारी रहेगी, और अगर आप सिंगल पर्सन हो तो वो 300 रुपये में आपको हरियर फोर्ट ले भी जाएंगे और लेके भी आएंगे, ठीक है। अब आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा होगा कि यार हरियर फोर्ट जाने के लिए 800 रुपये ले रहे हैं रिक्शे वाले, तो दोस्तों उसका कारण क्या, मुझे भी ये लगा था कि यार 12 किलोमीटर है और आप इतना पैसा ले रहे हो, तो कारण क्या दोस्तों, रोड भी ख़राब है, गाड़ी रिक्शा जो भी है वो धीरे चलाना पड़ता है, दूसरा ये क्या वो आपको लेके भी जाएंगे और फिर वहाँ से लेके भी आएंगे ना, जैसे आप गए तो 40-45 मिनट या एक घंटा जैसा भी वो रिक्शे वाला है वो आपको लेके जाएगा, और फिर आप चढ़ाई करोगे तो कम से कम आपको 3 घंटे चाहिए, और अगर आपको वहाँ पर टाइम स्पेंड करना हो तो आपको कम से कम 4 घंटे चाहिए, तो आप चढ़ोगे उतरोगे तब तक वो रिक्शे वाला पूरा खड़ा रहेगा, अब 1 घंटे जाने का 1 घंटा आने का और 4 घंटे आपके वो, तो 5-6 घंटे तो उसके ऐसे ही ख़राब हो रहे हैं, तो इसीलिए वो इतना चार्ज करते हैं, बाकी और कोई रीज़न नहीं 12-15 किलोमीटर का इतना पैसा लेने का। तो आप, हम लोग जो इको गाड़ी है उससे गए थे, 300 रुपये लगते हैं लाना ले जाना, वो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम वहाँ से घूम के वापस आ गए, तो अगर आपको त्र्यंबकेश्वर में ही रुकना है तो रुकने के लिए देखो अपने अपने हिसाब से होटल है, आप 1000-2000 जैसा भी रूम लेना चाहे ले सकते हो, पर हमने गजानन महाराज संस्थान जो है यहीं पे डोरमेट्री में बेड लिया था। डोरमेट्री आप समझते हो एक बड़ा हाल होता है जिसमें बहुत सारे बेड लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे बेड के हिसाब से वो चार्ज लेते हैं, 70 रुपये यहाँ पे चार्ज लगता है एक बेड का। हाँ, पर ये ध्यान रखना सिंगल व्यक्ति को वहाँ, मतलब अगर सिंगल मेल है वहाँ पे देने में थोड़ी दिक्कत आती है, शायद नहीं भी मिलता है, पर हम 2 लोग गए थे, 2 या 3 लोग हो या 10 लोग, 8-10-20 लोग जो भी हो, आपको डोरमेट्री में 70 रुपये बेड के हिसाब से आपको डोरमेट्री मिल जाएगी। एक बड़े से हाल में बहुत सारे बेड लगे होते हैं, ओढ़ने के लिए देते हैं, तकिया देते हैं, गद्दा देते हैं, पलंग होता है, सामने बेसिन होते हैं, और बाहर वॉश एरिया मतलब शौचालय वगैरह पूरा कंप्लीट रहेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, और वहाँ पे दोस्तों साफ़ सफाई की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वहीं पे आपको 60 रुपये थाली में खाना मिल जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके साथ ही अगर आप फैमिली से हो और आपको रूम चाहिए हो तो वहाँ पे रूम भी अवेलेबल है, बहुत सस्ते में और बहुत अच्छे रूम आपको अवेलेबल है, 300 से 900-800 तक आपको रूम मिल जाएंगे, जितनी बड़ी फैमिली जितने मेंबर है उसके हिसाब से वहाँ पे रूम चार्ज करते हैं। अगर आपको रूम की बुकिंग करवाना है तो सुबह 10 बजे, और डोरमेट्री की बुकिंग करवाना, हॉल के लिए बेड चाहिए हो तो आपको शाम को 4 बजे आपको बुकिंग करवाना पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं वहाँ पे नाश्ते का, ये तो सुबह 6 बजे से चालू हो जाता है, जहाँ पे आपको 10 रुपये में नाश्ता मिल जाएगा पोहे, और 10 रुपये में आपको चाय, दूध और कॉफ़ी तीनों में से कुछ भी ले लो, और 18 रुपये में आपको वहाँ पे मिल जाएगा उपमा, तो आपको नाश्ते का भी हो गया, ये हमने वहाँ पे करा था। और दोस्तों ये हो गई आपकी पूरी हरिहर फोर्ट और त्र्यंबकेश्वर की भी जानकारी। अब हम जो वापस आए थे रिटर्न, तो अगर आप इंदौर साइड से आ रहे हो या इधर इंदौर वाला एरिया लग रहा है आपको, NH3 जो 4 लेन है वो वाला, तो हमने क्या करा था, हम दोपहर में 2:30-3 बजे त्र्यंबकेश्वर से बैठे थे, क्योंकि हम नाशी हरियर फोर्ट से 2-3 बजे आ गए थे त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर से हम वापस इलेक्ट्रिक जो बस है महाराष्ट्र राज्य परिवहन की, वहाँ से बैठे थे नासिक के लिए, फिर उनको 65 रुपये दिए और उनने हमको नासिक 3:30-3 बजे हमको उतार दिया। अब हुआ दोस्तों यूँ कि हम नासिक से, अगर आपको स्लीपर चाहिए नासिक बस स्टॉप से, तो आप नासिक बस स्टॉप पे मत आना, आप पंचवटी उतर जाना, पंचवटी से आपको स्लीपर बसें मिल जाएगी, वहाँ से बुकिंग हो जाएगी, या फिर आप वो ब्रिज के नीचे उतारा था ना जहाँ पे आपको आने से पहले आप वहाँ चले जाना, तो आपको जैसे केबिन में अगर जगह चाहिए हो तो रात में बसें वहाँ से निकलती, आप वहाँ से ले लेना। अगर आपको महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस में जाना है तो आप वापस वहीं आ जाना CVS बस स्टॉप पे, जहाँ से आप सुबह त्र्यंबकेश्वर के लिए गए थे। और वैसे जो आप त्र्यंबकेश्वर से बैठोगे इलेक्ट्रिक बस में, वैसे आपको बस स्टॉप पे उतारेगी, हम वहाँ उतर गए थे। और वहाँ से फिर हमने पकड़ी दोस्तों शिरपुर की गाड़ी। शिरपुर के लिए हमको नासिक से शिरपुर का जो पैसा लगा था वो 315 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से लगा था, क्योंकि वहाँ पे बार्गेनिंग होती नहीं, वो तो फुल चार्ज करते हैं, ठीक है। और आपको इसके साथ एक जानकारी दे दूँ कि महाराष्ट्र में जो महिलाओं का किराया है वो आधा है,
अगर कहीं पे 100 रुपये लग रहे तो महिला है वो भले किसी भी राज्य की हो उसको 50 रुपये ही लगेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो हम नासिक से बैठे शेरपुर के लिए, 315 रुपये हमको पर व्यक्ति के हिसाब से लगा। और रात को 10 बजे हम शेरपुर उतर गए थे, 10:15 बजे हमको मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की बस मिली जिसने 190 रुपये लिए हमको धामनोद तक आने के लिए। और धामनोद में हमको उसने छोड़ा 2:45 बजे। और अगर आप इंदौर जाओगे तो इंदौर का किराया ज़्यादा है और वो आपको करीब करीब सुबह 4 बजे इंदौर उतार देगी। तो ये मैंने जो बताया आपको पूरा धामनोद से हरिहर फोर्ट और हरिहर फोर्ट से वापस धामनोद मतलब इंदौर रूट वाला पूरा मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी मेरे से इस वीडियो में दोस्तों छूट रही हो तो आप कमेंट्स बिंदास कर देना, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अगर कमेंट्स में समझ नहीं आ रहा मैं आपको मेल आईडी दे दूंगा, मेरा नंबर दे दूंगा, आप मैसेज से बात कर सकते हो, फ़ोन लगा के बात कर सकते हो। आपको जो भी जानकारी चाहिए वहाँ के बारे में आपको सारी जानकारी मैं दे दूंगा। पर जो हरिहर फोर्ट है यार देख के आओ, बहुत बढ़िया जगह है और बहुत मज़ा आता है, देखने लायक जगह है। जो आप वीडियो में देखते हो ना उससे कहीं ज़्यादा मज़ा वहाँ पर आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा था कि वीडियो छोटा बनेगा पर इतनी सारी जानकारी और सारी जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी था, इस कारण ये वीडियो बड़ा हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और किसी को अगर जानकारी चाहिए हो तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर करना। और आपको अगर जानकारी चाहिए हो, आप कहीं से भी हो, आपको अगर जानकारी चाहिए हो हरिहर फोर्ट के बारे में, त्र्यंबकेश्वर के बारे में या फिर ब्रह्मगिरी पर्वत के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मेरा नंबर भी दे दूंगा, मेल आईडी दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।